जिनेद भाई नमस्कार। आपने कहा था ना अपने मद्रासी कबूतर का आपको शौक कराऊं, तो भाई ये मेरे मद्रासी कबूतर है जिसका मैं आपको शौक करा रहा हूं। ठीक है भाई, धूप हो रही है, जरा मैं आपको शौक कराता हूं। ये देखिए भाई, एक ये कबूतर है मेरा, अनारी आंखों में, और ये भाई इसके पंजे बिल्कुल सुर्ख जामनी पंजों का कबूतर है मेरा ये। ठीक है भाई, और ये इसकी पर है, काट रखी है, और बिल्कुल स्लिम ट्रिम कबूतर है। मैं इसको छोड़ के दिखाता हूँ। ये इस कबूतर की बैठक है, हो गया। और भाई ये मेरा दूसरा मद्रासी कबूतर आप देख सकते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, ये भाई मैं इसकी मादे समझ के लाए थे, ये बहुत दूर से आया कबूतर है, पर ये भी नर निकला, बच्चा आया था ये। और भाई ये इसके पंजे हैं। ठीक है भाई, मैं इसको भी आपको छोड़ के दिखाता हूँ, ये भी नर है भाई, इसकी बैठक भी देख लीजिए, मादिन समझ के लाया था, बच्चा था उस वक्त, पर ये नर निकल गया ये भी। और ये भाई मेरा नप्ता कबूतर है, ये इसकी आँख देखो, बहुत अजीब आँख का कबूतर है भाई, ये भी मद्रासी है। और इस कबूतर की खासियत ये है भाई, इसमें बिल्कुल वजन नहीं है, बिल्कुल कागज़ की तरह कबूतर है ये। कितना बड़ा देखने में लग रहा है, पर बिल्कुल कागज़ की तरह है। दिखाता हूँ मैं इसकी बैठक, और भाई ये मेरा एक नप्ता कबूतर और है, ये भाई हमारे रवि उस्ताद के यहाँ से आया हुआ है, हमारे दिल्ली में उस्ताद रवि उस्ताद, उनके वहाँ का कबूतर है। अब वो रहे नहीं तो उनकी लाश निशानी पड़ी हुई है, अभी तक मैंने इसके बच्चे नहीं लिए भाई, क्योंकि इसकी मादिन मुझे आज तक नहीं मिली। और ये कबूतर है, ये पंजे हैं, थोड़ा मुझे दिखाना नहीं आता, ये इसके पर है। अब मैं इसके आपको इसकी बैठक भी दिखाता हूँ, ये देखो। और जिनेद भाई ये एक मेरा एक मद्रासी कबूतर है, इसकी मादिन भी सेम ऐसी है, और इसके भाई बच्चे मेरे पे बहुत उड़ते हैं, मतलब बच्चे सभी के उड़ रहे हैं, किसी को मैं वो नहीं कह सकता, बट एक होता जिद वाले बच्चे, वो इसके हैं। मैं आप उसको छोड़ के दिखा रहा हूँ, इसको हम पिलखा बोलते हैं भाई, ये कबूतर है मेरा, इसको हम पिलखा बोलते हैं यहाँ पर, आप क्यों क्या बोलते हैं पता नहीं। देखो भाई, और जिनेद भाई ये मेरा एक और पिलखा कबूतर, ये गिफ्ट है मेरे दोस्त का, बहुत अच्छा कबूतर है भाई, अभी ये मैंने अभी जोड़ने डाला है, और इसके ये पर है, इसके बच्चे निकलवाए मैंने अभी भाई, बस बस ये बिना छेड़े 3 घंटे पे आ गए हैं इसके बच्चे, मतलब नॉर्मल उड़ाई पे, अभी बस पीटे नहीं है, हमने चेक नहीं किए। और ये भाई इसके पंजे हैं, और मैं इसको छोड़ के दिखा रहा हूँ भाई, ये भाई मेरे नर हैं सारे। अरे क्या हो गया वीडियो में, आ गई, ये नर है सारे, ये लो भाई अच्छे से देख लो, अभी और भी हैं, सिलेक्टेड ही है मेरे सारे सारे। ये इस वाइट जो नर है भाई, इसका जोड़ा नहीं है, इस वाइट का भी आज तक जोड़ा, मतलब जोड़ा नहीं लगाया, वो कबूतर जो है भाई ये आपको दिख रहा होगा, इस नप्ते कबूतर का भी जोड़ा नहीं लगाया। और ये कबूतर जो बिल्कुल कागज है, इसका भी एक ही बच्चा हमने लिया है, मादिन हमें मिली नहीं, बाकी तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी सारा शौक हमारा हरों का ही है मेन, तो अभी आपको दिखाता हूँ भाई। ठीक है, और जिनेद भाई ये मेरा हरा कबूतर है, मतलब जिसके मैं सबसे ज़्यादा बच्चे लेता हूँ, यही है मेरा, मतलब ये सबके बच्चे तो ले नहीं पाया, क्योंकि उनके उनकी मेरे पास मादिने नहीं है, बस उस पिलखे की मादी ना, इसका भी हमने लगाया है, बाकी मैं हरों का, इसके सारे बच्चे इसके हैं मेरे पास मोस्टली ना, जोड़ते मैं आपको शौक करा रहा हूँ। ये देखिए इसकी आँख, एक मिनट, थोड़ा अंश पीछे हो गया बेटा, फ़ोन को इधर कर, तिरछा हाथ आगे कर लो बेटा, ठीक है कर लिया आगे आगा। ये देखो भाई, ये इस पर क्लिक करना है बीच में, हाँ ये देखो भाई इसकी आँख दिख गई होगी आपको आँख। और भाई मैं इसकी आप इसको छोड़ के दिखा रहा हूँ, ज़्यादातर पकड़ नहीं पा रहा इनको भाई मैं, क्योंकि मैं इनको पकड़ नहीं पाता ना। ये देख लो भाई,
ठीक है भाई। ये है मेरे कबूतर, अभी और शो कराता हूँ आपको भाई। जिन्हें भाई की है, मतलब ये बच्चा है मेरा, मतलब उस कबूतर का, वो भाई के पास जा रखा है, जिसके इसके बाप के बच्चे लेता हूँ मैं। ठीक है भाई, ये शो करो आप। और इसके पर ये परंद रहता है हमारे पास हमेशा, ये बचपन से हम इसको बस मस्ती के लिए उड़ाते हैं, रखा हुआ है इसको। इस बार जोड़े में डालेंगे इस बच्चे को। ये इसके पंजे हैं, ठीक है भाई। और एक कबूतर और दिखाता हूँ आपको, रुको। और जिनेद भाई, ये मेरा दुबाज कबूतर है हरा, जिसके मैं बच्चे लेता हूँ, बस दिखाता हूँ आपको। ये देखो इसकी आँख, पहले ये इसकी आँख, इसके इसकी नोक छोटी है, पर ये भी मंद्रासी है। छोड़ के दिखाता हूँ भाई आपको, ये थोड़े इसके पंजे देखो, इसके भी जामनी सुर्ख पंजे हैं। कबूतर तो और भी है भाई, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ वो हरा कबूतर। एक मिनट रुकिए, वो ये हरा, ये हरा दुबाज, जिनके मैं बच्चे हरे हरे, मतलब इन इनसे भी हरी मादिन लगाता हूँ मैं। और वो पिलखा जो आपको दिखा रहा हूँ, वो भी हरे बच्चे, हरी हरे बच्चे मारता है। और ये गुटकरा, ये भी हरे बच्चे मारता है। अब मैं आपको सारे कबूतर दिखाता हूँ अपने, कबूतर तो और भी है भाई, और वीडियो को ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वरना आपको तसली दिखाता, क्योंकि सब नर मादिन अलग कर रखे हैं ना, इसलिए अभी आपको और नर दिखाता हूँ अपने सारे इकट्ठे करके। और भाई जिनेद भाई, ये है मेरे मंद्रासी कबूतर सारे, देखो मोस्टली हरे हरे खह रही हैं, इन्हीं का शौक है हमें। ये देख लो, ये भी मंद्रासी कबूतर है, ये आया हुआ है, ये जोड़ा आया हुआ है, मादिन उधर है, इसको अभी हमने चेक नहीं किया, पर जोड़ा आया हुआ है। ठीक है, देखिए काला चीन है, ये मंद्रासी कबूतर, ये जोड़ में डालेंगे हम, अच्छा उड़ता हुआ कबूतर है ये भाई। मैंने एक साल पहले पकड़ा था और हमने इसको उड़ा दिया था, ये भाग गया, फिर वापस आ गया, क्योंकि हमें सोचा जिसका उस वक्त पहुँच जाएगा, पर वापस आ गया। तो अब इसको हम जोड़े में डालेंगे, क्योंकि मोस्टली हम कबूतर पकड़ते तो उड़ा ही देते हैं, हम रखते ही नहीं है पकड़ा कबूतर। पर ये बहुत अच्छा कबूतर है, जिसका भी था, इसने घर ढूंढा पर घर ही नहीं मिल पाया, इसलिए वापस आ गया ये। बाकी ये देख लो भाई, ये कबूतर है हमारे, ठीक है भाई। वो जो लंबा सफ़ेद कबूतर है, उसके बच्चे हैं ये, सफ़ेद से फुलसरे फुलसरे। इनका ज़्यादा वो नहीं, हरों में ज़्यादा शौक है भाई। ठीक है भाई, ये सारे नर हैं भाई।